हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। ना मारने की धमकी दी ना अपशब्द कहे, सिर्फ एक फोटो डालने पर उसे फेसबुक ने क्यों किया ब्लॉक। एक फेसबुक यूजर का कहना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने उनके अकाउंट को 30 दिनों के लिए ब्लॉक कर दिया है। यूजर का कहना है कि कमल का फूल हमारी भूल पोस्ट करने के बाद उनके पोस्ट को डिलीट कर दिया गया और उनके अकाउंट को भी हटा दिया गया। पेशे से एक फ्रीलांसर अनस ने फेसबुक पर सिर्फ इतना लिखा, कमल का फूल हमारी भूल। व्यापारी अपने कैश मेमो पर प्रिंट करवा कर जनता से को बता रही है कि भाजपा को वोट देकर गलती हो गई। इस स्टेटस के बाद अनस ने कैश मेमो की तस्वीर भी डाली थी। एचटी से हुई बातचीत में अनस ने बताया, पोस्ट डालने के कुछ ही घंटों बाद मुझे फेसबुक से नोटिफिकेशन आया कि मेरी पोस्ट फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया कि मेरा अकाउंट 30 दिनों के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। कैश मेमो की वो तस्वीर जिसके कारण अनस का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया गुजरात के सूरत की है और कुछ समय से फेसबुक पर वायरल हो रही थी। अनस ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने तो बस वही फोटो शेयर की थी और जो उसमें लिखा था वही इसमें लिखा, इसमें गलत क्या था। अनस ने बताया कि इससे पहले भी 3 बार फेसबुक ने उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अनस ने फेसबुक के इस रवैये पर प्रश्न उठाते हुए कहा, मैंने गंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया, न ही किसी को बुरा भला कहा, पर सरकार की आलोचना करने वाले ऐसे अन्य पोस्ट भी हटाए जा रहे हैं, ये फेसबुक फासीवाद है। सवाल उठाना तो लाजमी है, कई लोग हैं जो भद्दी भाषा का सहर्ष प्रयोग करते हैं, हेट स्पीच का प्रयोग करते हैं, उन्हें भी फेसबुक की तरह से नोटिफिकेशन भेजा जाना चाहिए। अगर बात तस्वीरों की हो रही है तो बलात्कार हत्या की लाइव तस्वीरें भी डाली जाती हैं, क्या तब फेसबुक के मापदंडों का उल्लंघन नहीं होता। माइंड द न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।